बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना पाक में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। मुझे पता चला कि अम्मा बूढ़ी हैं, नाबीना भी हैं और लावारस भी, तो मैं अम्मा के घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, खताब का बेटा उमर हूं। मुझे पता चला है कि आपका काम करने वाला कोई नहीं है, मैं रोज आया करूंगा, बर्तन धो जाया करूंगा। तो अम्मा कहने लगी, बेटे नहीं, एक बंदा 3 साल से आ रहा है, वो सारे काम कर जाता है, वही सही है। तो जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैंने भी आज ढूंढना है कि ये कौन है। मैं अम्मा के घर के सामने झाड़ी में छुपकर बैठा था, वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। कहते हैं कि मैं बैठा देख रहा था, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो बूढ़ी अम्मा के घर में झाड़ू दे रहे थे। कहते हैं ड्यूटी करके अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो बाहर निकले तो मैं सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, यार तू किस संदल का बना हुआ है, चल बता। बाकी बातें एक तरफ रही, ये जूते क्यों उतार के बगल में दबाए हुए हैं? तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, जूतों से आवाज पैदा होती है, मैं अम्मा की नौकरी करने जा रहा हूं, दुनिया को तो नहीं बताना कि ड्यूटी कर रहा हूं। सुभान अल्लाह।